नमस्कार साथियों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, अभी तक हम लोग 5 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। 5 महीने में आपकी जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और याद रखिए, क्लासें थोड़ी बड़ी हो रही हैं, टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, अगर आप लोग देख रहे हैं, कि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में ही आपका स्टेटिक जीके भी कवर किया जा रहा है। यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्थाई जो इसके आंकड़े होते हैं, इसके बारे में और कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें भी हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जून 2021 महीने की जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और याद रखिए, ये सभी क्लासें आपकी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जिसमें एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, या फिर आप देखते हैं कि आपका सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपकी सेंट्रल के और भी एग्जाम होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि आपके स्टेट लेवल पर भी कई तरह के एग्जाम होते हैं। जैसे आप देखिए, पुलिस के हो गए, दरोगा या टीचर भर्ती हो जाती है, पोस्ट ऑफिस के होते हैं, वन विभाग के होते हैं, तो इसमें भी आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपकी एक मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उस पर सभी क्लासें आपकी डली रहेंगी आपको। चलिए तो इसे भी हम लोग विस्तार से ही बात करेंगे इस क्लास को भी। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रति वर्ष विश्व दूध दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग दूध देखते हैं ना, उसे की बात हो रही है। विश्व दुग्ध दिवस या दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 2 जून को, 31 मई को, 30 मई को, बताइए आप लोग कब मनाते हैं? 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को दुनिया भर में क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, ये आप लोग इसे मनाने का उद्देश्य यही होता है कि विश्व दुग्ध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2001 में हुई थी, और दूध को डाइट में शामिल करना एक तरह से इसका उद्देश्य हो जाता है कि लोग दूध के प्रति जागरूक रहें। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में भी जब आप लोग खाना खाते हैं, उसके बाद घर में एक गिलास दूध दे दिया जाता है, फायदा करता है दूध। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत कब की थी? 2001 में की थी। अब आप लोग कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बता दीजिए, और इसमें आप देखेंगे यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, इसके विभाग खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन की अगर हम लोग बात करें, जिसे आप लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को एक बात और यहाँ बता देता हूँ कि देखिए, जो आपके राष्ट्रीय स्तर के हों फिर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, आपके जो संगठन हैं, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। आप देखिए, सिविल सर्विस के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको 2-3 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल जाएंगे। और आपके सभी संगठनों को मैंने कवर किया हुआ है, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग, चले आगे क्या करना है। और इस बार की अगर इसकी थीम की बात करें, आप देखते हैं कि दिवस जो डे मनाया जाता है, उसकी थीम भी कई बार आपकी क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो इस बार की थीम रही है पर्यावरण पोषण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, इस बार की थीम रखी गई थी 2021 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पॉल स्लूटर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है? इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है ब्राजील के थे, डेनमार्क के थे, या आयरलैंड के थे, या सिंगापुर के थे। कहाँ के थे? तो याद रखिए, डेनमार्क के थे। कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। डेनमार्क के बाद अगर हम लोग डेनमार्क की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये यूरोप का देश है, यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी कोपन हैगन है इसकी राजधानी। ठीक है, और यहाँ एक तरह से राजशाही चलती है। ठीक है, तो इसमें ये लॉक आप लोग
याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष बने हैं? किसके? भारतीय उद्योग परिसंघ की बात कर रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे संजीव बजाज, बी कह रहा है पवन मुंजाल, सी कह रहा है TV नरेंद्रन और डी कह रहा है NK आचार्य। बताइए इसमें से क्या लगाओगे, कुछ लगाओगे भी या नहीं? तो याद रखिए इसमें आप लोगों को लगाना है TV नरेंद्रन, ठीक है? यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, किसके, जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? कौन व्यक्ति असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? अरविंद कुमार सिंह, रविंद्र सिंह गोयल, अशोक प्रताप जैन, प्रदीप चंदन नायर। तो इसमें आप लोगों को याद होना चाहिए प्रदीप चंदन नायर होंगे, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। असम राइफल्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दूं ये बहुत पुराना एक तरह से हमारी सेना का संगठन है और 1835 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको शिलोंग मेघालय में देखने को मिलेगा, ठीक है, असम राइफल्स का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल वैश्विक अभिभावक ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? हर साल वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को या 1 जून को या 2 जून को, 3 जून को? तो बताइए, 1 जून को मनाया जाता है, वैश्विक अभिभावक दिवस की बात हो रही है। इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट और आपको बताया जाए तो इसे एक तरह से मनाने का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों से यही पूछ लेता है कि एक तरह से आप देखिए परिवारों के बलिदानों की सराहना करना और उनके प्यार और स्नेह को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुना गया था। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें तो दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें, इस बार की थीम रखी गई थी। एक बात और आप सभी जानते हैं मुझे लगता है कि देखिए अगर दुनिया में अभी कोई अगर रिश्ता बचा हुआ है और किसी रिश्ते में अगर वफादारी आपको देखनी हो, सही में रिश्ता निभाना देखना हो, तो वो आपका परिवार है, आपके माता पिता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप देखिए दुनिया में कोई आपसे अगर दोस्ती करता है या आपसे जुड़ता है तो वो अपने किसी मतलब के हिसाब से जुड़ता है। अगर आप मजबूत हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पीछे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने के लिए खड़े रहते हैं। और अगर आप लोग कमजोर हैं तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप अगर किसी से मदद भी मांगते हैं तब भी आप लोग खाली हाथ रहते हैं, ठीक है? तो 1 जून को याद रखना है आपको, वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? राजेंद्र कुमार गुप्ता, अजीत सिंह चंदेल, राम कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। बताइए कौन होंगे? अरुण कुमार मिश्रा होंगे। कौन होंगे? अरुण कुमार मिश्रा होंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहाँ देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं? भारतीय नौसेना की बात हो रही है। आशीष खन्ना, रवनीत सिंह, रमेश प्रजापति, सुभाष झीला। तो याद रखिए रवनीत सिंह इसके होंगे भारतीय नौसेना की।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ईसाक हर्जोग इजराइल के कौन से नए राष्ट्रपति बने, कौन से नंबर के हैं? तो याद रखिए 11वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। और इजराइल के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, या दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्व छोर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी राजधानी दावा है एरूसलम, ठीक है, एरूसलम सुना है, उसी उस वही है इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हर साल विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? और आप देखिए साइकिल चलाने के कई फायदे भी रहते हैं, पता है आप लोगों को। एक तो सबसे बड़ा फायदा आप कह सकते हैं कि आजकल पेट्रोल की देख लीजिए कीमत क्या जा रही है, तो आप लोग तब भी चला सकते हैं। 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून को कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 3 जून को मनाया जाता है। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और इस दिवस को 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया था, ठीक है। तो 2018 से शुरू हुआ था, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कौन व्यक्ति सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख बने हैं? इसमें पहला आप लोगों से क्या कह रहा है? पहला कह रहा है आपसे डॉक्टर झावर सिंह, डॉक्टर रीटा चौहान, डॉक्टर विनय नंदीकुरी और डॉक्टर हर्षित जाना, बताइए इसके बारे में कुछ। तो याद रखिए इसमें आपके होंगे डॉक्टर विनय विनय नंदीकुरी, ठीक है, और इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, 1977 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कौन व्यक्ति भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की शिकायत अधिकारी बने हैं? व्हाट्सएप आप लोगों में से कई लोग चलाते भी होंगे। बजरंग के दत्त, पारेश बिलाल, सुलेख जे निगम, आरसी गोयल, कौन है इसमें? तो याद रखिए पारेश बिलाल होंगे इसमें। व्हाट्सअप आप लोगों ने सुना है, व्हाट्सअप के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो उसी व्हाट्सअप मैसेंजर की बात हो रही है। आगे हमारा क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है, डेथ हो चुकी है इनकी? सिंगापुर के थे, श्रीलंका के थे, या फिर मॉरिशस के थे, या नेपाल के थे? तो याद रखिए ये मॉरिशस के थे। कहाँ के थे? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मॉरिशस कहाँ का कहाँ है? मॉरिशस, मॉरिशस गणराज्य की बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में, और मेडागास्कर के पूर्व में आपको स्थित एक द्वीपीय देश देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में अगर और हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा बड़ा नगर इसका पोर्ट लुई है, पोर्ट लुई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इन सभी देशों के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। जब आपका विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने मैप का सहारा लेकर सभी देशों के बारे में बताया था। भूगोल में आप देखते हैं ना जो मैप का पार्ट होता है, उसे सबको कवर कर चुका हूँ, तो वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मॉरिशस लगाओगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और आपको मालूम होगा कि ये बड़ा ही सरल क्वेश्चंस है, लेकिन कई एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन चुका है पहले भी और बनता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों से क्या कह रहा है? 5 जून, 3 जून, 2 जून, 7 जून। तो मुझे लगता है कि 5 जून आप लोगों को मालूम होगा, क्या होगा? मालूम होगा। और आपको बता दूं कि इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे जो नुकसान हो रहा है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और इसे मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी, ठीक है, और पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। और इसी दिन आपने देखा होगा यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम की, तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली इस बार की क्या रखी गई? सी वो क्या रखी गई? थीम रखी गई है, थीम थीम, ठीक है।
पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इस बार की थीम रखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं, बताइए। सुरेश कुमार चौधरी, राजेंद्र प्रसाद धीरज, मुकेश सिंह झंझर और विवेक राम चौधरी। तो याद रखिए विवेक राम चौधरी होंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। किसने वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है इसमें। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है डेविड डियोप, एलेक्स जोसेफ, हैरी बेडियो और कैलो पार्किंसन। तो याद रखिए इसमें डेविड डियोप होंगे। और इसकी बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 2005 में पहली बार ये दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। तो ये भी आप लोग अंग्रेजी भाषा में जो आपके उपन्यास प्रकाशित किए जाते हैं ना, उसी में एक तरह से दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की हुई है? और याद रखिए इस तरह की आपकी कोई सेंट्रल से कोई योजना आती है फिर, या आपकी स्टेट की कोई योजना रहती है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। आपकी परीक्षाओं में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये पंजाब की है, राजस्थान की है, हरियाणा की है या केरल की है, बताइए। याद रखिए कहाँ की है आपकी? राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की है। और जो राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। और आपको बता दूं कि इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के समान अवसर मिल सकेंगे। और किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मिल सकेगा। तो आप लोग भी राजस्थान के हैं तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ आपको विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यसभा में यहाँ 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और आपको बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप लोग नीचे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं, कौन है? वरुण देव सिसोदिया, टिपेंद्र कुमार स्वामी, कुमार स्वामी, पीयूष चतुर्वेदी, रणजीत सिंह देसाले। तो याद रखिए इसमें रणजीत सिंह देसाले होंगे। अब आप कहेंगे कि विश्व बैंक के बारे में कुछ पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि विश्व बैंक से कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की, और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 7 जून होगा इसमें। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक किया जाए। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो इसकी थीम रखी गई है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन रखी गई है। और 7 जून 2019 को पहली बार ये मनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से इसे अपनाया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं, बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष यानी कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसमें ए ऑप्शन कह रहा है रंजन कुमार गोस्वामी, दूसरा है संजीव नंदन सहाय, सी कह रहा है अजीत पाल सिन्हा,
और डी कह रहा है जितिन कुमार लोखंडे, तो इसमें याद रखिए संजीव नंदन सहाय होंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस की बात हो रही है। ए ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है? 3 जून, फिर है 8 जून, 9 जून, 5 जून। तो कब मनाया जाता है बताइए कुछ। तो इसे मनाया जाता है 8 जून को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और एक तरह से आप देखिए समुद्र को यानी कि महासागरों को साफ सफाई के प्रति लोग जागरूक रहे हैं, इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस साल की अगर हम लोग थीम की बात करें, विषय की बात करें, तो महासागर में मौजूद लाइफ और लवलीहुड से जुड़े तथ्यों के बारे में आम जन तक जानकारी पहुंचाना थीम रखी गई है। ठीक है। और आपने देखा है कि पूरी दुनिया में प्रोटीन उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा जरिया है क्या? यही और क्या? किसकी बात कर रहा हूं मैं? महासागरों की। आप देखिए हमारे पास एक तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या है, महासागर हैं। और हमारे देखिए हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, बस आप सभी जानते हैं कि देखिए पानी वो पानी है जिसे हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? उपयोग नहीं कर सकते हैं। और 8 जून 1992 को रियो डी जिनरो में ग्लोबल फोरम में प्रस्तावित किया गया था पहली बार ये। और हालांकि 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प लिया कि 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया गया। और पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2019 में, माफ करिए 2009 में, पहला विश्व महासागर दिवस 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ आपका मनाया गया था। तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद ही तो रखना है, और क्या कर सकते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बने हैं? अजीम फारूकी, दूनी लोपोड़, अब्दुल्ला साहिद और वर्नोन केकर। तो याद रखिए इसमें अब्दुल्ला साहिद होंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं आपको। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात होती है तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात होती है तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति HSBC इंडिया के नए CEO बने हुए हैं बताइए? ए कह रहा है नवाब अली, बी कह रहा है राजेश पाटेकर, सी कह रहा है हर्षित नायक और डी कह रहा है हितेंद्र दवे। तो याद रखिए हितेंद्र दवे होंगे इसमें। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप सभी जानते हैं कि HSBC बैंक इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें तो 1853 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? मुंबई में देखने को मिल जाएगा आपको। आपको चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं महेश चंद्र शर्मा, अनूप चंद पांडे, रामनिवास पाठक, जमन लाल गौड़। बताइए इसमें से कौन होंगे? अनूप चंद पांडे होंगे। अनूप चंद पांडे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं अनूप पांडे, चंद पांडे। ठीक है। और आपको बता दूं कि अनूप चंद पांडे की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या एक बार फिर से 3 हो गई है। सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद साल 2021 में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं रिटायर्ड IAS राजीव कुमार का एक अन्य चुनाव आयुक्त थे उस समय। अगर हम लोग चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल की बात करें या अन्य की, तो 6 वर्ष 65
वर्ष आयु रखी गई है इनकी, क्या रखी गई है, 6-65, जो भी पहले है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, चुनाव आयोग की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें आप देखें तो क्या देखना है आपको, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो, और अन्य दो होते हैं जो चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल आयु रखी गई है, जो भी पहले हो। इनकी राष्ट्रपति, देखिए अगर इनकी नियुक्ति की बात हो तो राष्ट्रपति करते हैं, और जो आपका भारतीय चुनाव आयोग होता है, ये लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव करवाने का जिम्मा लेता है। और आप देखिए कि आपके स्थानीय जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों के, इन्हें करवाता है आपका, हर राज्य में आप देखते होंगे कि अपना चुनाव आयोग होता है। और अगर आप लोग भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि अनुच्छेद 324 में इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 को आप लोग याद रखा करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, कोई बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन, बिटकॉइन को कानूनी जामा एक तरह से पहना दिया इसने, कौन बन गया है बताइए कुछ, अल सल्वाडोर, पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, इनमें से क्या लगाओगे आप लोग, तो मुझे लगता है अल सल्वाडोर लगाओगे आप लोग, अल सल्वाडोर लगाओगे, लगाओगे या नहीं लगाओगे या कुछ और लगाओगे, बताइए कुछ इसके बारे में। और इसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो देखिए एक तरह से बिटकॉइन डिजिटल आप लोग मुद्रा कह सकते हैं, समझ रहे हैं, डिजिटल मुद्रा एक तरह से, आप देखिए इसमें जो भेजता है और जो एक तरह से लेता है, इनके बीच कुछ ज्यादा है जानकारी इकट्ठी कर पाना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और ये आपकी किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती है, इसलिए आप देखते हैं चिंता का विषय बना हुआ है, कई देश इसे कानूनी मान्यता दे रहे हैं लेकिन हमारे देश ने अभी तक नहीं दी हुई है। अल सल्वाडोर बन गया इसे, और एक तरह से आप लोग याद रखिए इसका कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान होता है इसके द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग अल सल्वाडोर के बारे में बात करें, इस देश के बारे में कुछ पॉइंट आपको अगर बताया जाए, तो मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा एक तरह से ये देश है, और इसकी राजधानी की बात करें तो सान सल्वाडोर इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, फेसबुक तो आप लोग चलाते होंगे, बताइए आप लोग, मुझसे भी जुड़े होंगे आप लोग, मेरा फेसबुक पेज इसी नाम से है, यूट्यूब जिस नाम से चलता है अपना। और इसकी फेसबुक की आप अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए फरवरी 2004 में यह आया हुआ था, पता है इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगा। इसमें कीर्ति दास, राधिका पारीक, सृष्टि जैन और स्फूर्ति प्रिया, तो याद रखिए स्फूर्ति प्रिया होंगी इसमें, ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है, पीटी मार्स, डेबी हैविट, रिनी गोल, हिजोक जॉन, तो याद रखिए डीवी हैविट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और देखिए जो आपका ये इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की बात हो तो 24 अक्टूबर 1863 को इसकी स्थापना हुई थी, और लंदन यूएस यूनाइटेड यूके में इसका, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति दीपक राव, न्यायमूर्ति जमन खेर और न्यायमूर्ति हरिराम वर्मा, तो याद रखिए न्यायमूर्ति संजय यादव होंगे, संजय यादव होंगे, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट आप सभी को मालूम होना चाहिए,
एक बहुत पुराना हाई कोर्ट है, समझ रहे हैं, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पुराने एक तरह से उच्च न्यायालयों में से एक है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड, आदिल रशीद, जेम्स एंडरसन, और एक है आपके क्रिस बॉक्स। तो याद रखिए इसमें आपके जेम्स एंडरसन होंगे, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, पता है, जेम्स एंडरसन। अगर आपको बता दूं तो ये सबसे तेज गेंदबाज हैं, समझ रहे हैं? और उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट जेम्स एंडरसन का 162वां टेस्ट मैच खेला है उसमें, उनमें, ठीक है, 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं इंग्लैंड के हैं। कहाँ गए? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के बारे में सुने हो? अंग्रेजों के बाद इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? यूरोप में एक देश देखने को मिलेगा इंग्लैंड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निर्देशक बने हैं? अमन खन्ना, जयंत निगम, वरुण जायसवाल, आशीष सराफ। तो याद रखिए इसमें आशीष सराफ होंगे। कौन सी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष बने हैं? आशीष सराफ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि आप देखिए बच्चों की मजदूरी को रोकना, बच्चों को एक तरह से मजदूरी में लगाने से रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक कब मनाया जाता है? 12 जून को, 13 जून को, 10 जून को और 11 जून को, बताइए। तो याद रखिए 12 जून को मनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसे मनाने की शुरुआत आपको मालूम होना चाहिए कि सन 2002 में हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में सुने हैं ना, इसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2012 में, माफ करिए 2012 में नहीं, 2002 में, कभी कभी फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल देता है, 2002 में इसकी स्थापना। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक तरह से आप देखिए इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें श्रम में ना लगाकर उन्हें शिक्षा दिलाई जाए और आगे बढ़ाया जाए उन्हें, ठीक है, ताकि अब वो बच्चे अपने सपनों को और बचपन को ना खोएं और एक तरह से उनका काम चल सके, उन्हें समझदारी आ सके, कुछ क्या आ सके, कुछ समझें, कुछ पढ़ें। और अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें, सबसे जरूरी होती है थीम, क्या थीम की, तो 2021 में थीम रखी गई है कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना। कोरोना क्या है? अब ही करो, बाल श्रम खत्म करो, ILO, इस बार की थीम क्या रखी है? अभी करो बाल श्रम खत्म करो, ये आप लोग याद रख सकते हैं इसे। चले तो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दिए गए वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को मिला है? भारतीय मूल के पत्रकार को मिला है, बताइए इसमें। ए कह रहा है अवनी घोष, किरण गौतम, मेघा रोज गोपालन, पीएल चौधरी। तो याद रखिए मेघा रोज गोपालन इसमें है, 2021 के पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, और इस वर्ष भारतीय मूल की पत्रकार है मेघा रोज गोपालन, इन्हें मिला है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है।
और उन्हें ये पुरस्कार दुनिया के सामने चीन के बड़े झूठ उजागर करने के लिए एक तरह से दिया गया है। वहीं अमेरिका के आश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करने वाली लड़की डार्नेला फ्रेजियर को भी ये पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार। ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और 1917 में पहली बार ये दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक बनी है? ए ऑप्शन कह रहा है जे जी बेलोड, मूसी डेविड, रेवेका ग्रीन स्पैन, किम हेजल वुड। तो याद रखिए इसमें रेवेका ग्रीन स्पैन। व्यापार संयुक्त राष्ट्र संगठन, तो क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, तो 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया कब मनाया जाता है? देखिए, मैंने ये देखा है कि जब दान करने की रक्तदान करने की आती है तो लोगों में, कई लोगों में एक तरह से कन्फ्यूज रहते हैं। उनका कहना होता है कि हमारा खून कम हो जाएगा, हमें ऐसा हो जाएगा। देखिए, जो आप दान करते हैं खून, कुछ समय के बाद वो खून बढ़ जाता है अपने आप, इस स्वाभाविक सी बात होती है। ठीक है, तो दान करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा। आप सोचिए, कई लोगों की जान बच जाती है अगर, तो उससे बड़ा मुझे लगता है दानी आदमी कौन हो सकता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून, 14 जून, 15 जून और 11 जून को। बताइए इनमें से कब मनाते हैं आप लोग? एक दिन तो मनाते होंगे, लेकिन कब मनाते हैं ये आप लोगों को भी मालूम है या नहीं है? देखिए, 14 जून को मनाया जाता है। कब? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदाता, भगवान से सोचिए आप लोग कि भगवान ने आप लोगों को देने लायक बनाया है, तब आप लोग दाता कहला रहे हैं। तो 14 जून को मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हो सकें और डोनेट कर सकें अपना खून। ठीक है, जिससे जरूरतमंद जो भी लोग होते हैं उन्हें खून चढ़ सके, उन्हें खून दिया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। और अगर इसकी थीम की बात होती है तो इस साल की इस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम रही है खून दो और दुनिया को धड़काते रहो, इस बार की थीम रखी गई है। तो मुझे लगता है इसे आप लोग याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? याद तो रखना ही होगा मुझे लगता है, कि नहीं रखोगे? क्या रखी गई इस बार की थीम? खून दो दुनिया के को धड़काते रहो। और आप देखिए, आपका खून बढ़ जाता है बहुत जल्दी, इतना मत सोचा करिए, इतना दिमाग मत लगाया करिएगा कि खून में कमी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और साल 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व रक्त दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो याद रखिए, 2004 से ये मनाया जा रहा है। और इसमें अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की बात करें, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यूसेफ अलमोंगी, रुआन अओराम, सलोमो बेनाजीरी, नप्ताली बेनेट। तो याद रखिए, नप्ताली बेनेट होंगे। ठीक है, इसमें आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति जैव प्रौद्योगिकी की कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अमिताभ बच्चन, अक्षर कुमार, वीरेंद्र सहवाग, अजिंक्य रहाणे। तो याद रखिए, अक्षर कुमार, आप देखते हैं कि आपकी सुपरस्टार कही है, आप लोग सुपरस्टार हैं, तो ये बने हैं अक्षय कुमार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष में उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है? ये कौन थे, किस कहाँ के अभिनेता थे? कन्नड़, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, बताइए कुछ। तो याद रखिए, ये कन्नड़ थे, कन्नड़ से जुड़े हुए थे। कहाँ से? कन्नड़ से जुड़े हुए थे।
और कई फिल्मों में इन्होंने काम भी किया हुआ था। ठीक है, 2011 से इन्होंने काम शुरू किया था। इनकी पहली रिलीज हुई फिल्म थी रंगप्पा हो बिटना। ठीक है, बड़ी अजीब मूवी नाम रहता है। चलिए अगला देखते हैं। किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? आईसीसी, समझ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ठीक है, और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। तो बताइए इसमें जो रूट इंग्लैंड के थे, चमीरा कपोगे देरा श्रीलंका, मैथ्यू वेड ये ऑस्ट्रेलिया, मुस्फिकुर रहीम बांग्लादेश, कहाँ के थे? तो याद रखिए इसमें मुस्फिकुर रहीम होंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप कहेंगे कि बांग्लादेश के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, इसकी कैपिटल राजधानी क्या है? ढाका है। और आपको एक बात और बता दूं कि देखिए त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरे हुए है, पता है आप लोगों को? 1971 का जो युद्ध हुआ था हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, और आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पाकिस्तान ने टक्कर ली थी। उन्होंने गुस्सा में दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, एक बांग्लादेश बना दिया गया था जो नया देश बन गया था, और पाकिस्तान। ठीक है, इसीलिए कहते हैं महिलाएं कभी कमजोर नहीं होती हैं, वो अपने आप को या तो कमजोर बनाए रखती हैं या समाज बनाए रखता है। वरना आप सोचिए कि रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, समझ रहे हैं, इंदिरा गांधी को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? बताइए इसमें कुछ। विश्व पवन दिवस की बात हो रही है, 13 जून 15 जून 16 जून और 17 जून, कब मनाओगे? मनाओगे भी या नहीं आप लोग? तो याद रखिए इसमें 15 जून, कब? 15 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस को एक तरह से मनाने का यही उद्देश्य है कि पवन ऊर्जा, एक तरह से आपने देखा होगा, देखिए आजकल आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है हमारे देश में, देखिए या दुनिया में, क्योंकि आपको बता दूं कि देखिए जो कोयला है, जो कच्चा तेल है, एक समय के बाद ही खत्म हो जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि इसे बनने में हजारों साल लगते हैं, और खत्म कितने जल्दी से हो रहा है आप सभी जान रहे हैं। तो कम से कम देखिए अब बिजली से हमारा कनेक्शन बहुत जुड़ चुका है ऊर्जा से, और इसका हमें विकल्प उपलब्ध कराना होगा। आप देखिए आजकल हम लोग बिना बिजली के रहना मुश्किल है, तो इसके लिए आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब है जल से या वायु से, या आप देखिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जाए। और आप सभी जानते हैं कि जब तक पवन रहे चलती रहेगी, वायु जल रहेगा और सूर्य भगवान रहेंगे, तभी तक हम लोग रहेंगे। अगर उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। तो इसी दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को ये पवन ऊर्जा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इस दिन को पहली बार 2007 में मनाया था, और इसके बाद 2009 में इसे विश्व स्तर पर मनाने की का निर्णय लिया गया था। और 2009 तक विश्व पवन दिवस या वैश्विक पवन दिवस नहीं था, 2009 के बाद ही यह दिन और अधिक समावेशी हो गया और इस दिन को लोगों को बताया गया। तो इसे आप लोग 15 जून को याद रख सकते हैं। कौन व्यक्ति WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? बताइए इनमें। पहला ऑप्शन कह रहा है मुकेश शर्मा, आदिल पठान, मोहम्मद रजाक, गणेश श्रीनाथ। तो याद रखिए मुकेश शर्मा होंगे। कौन होंगे? मुकेश शर्मा होंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारे जारी वर्ष 2021 की विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान मिला है? भारत को दाता, आप समझ लीजिए दानी दाता, 10वां 12वां 13वां या 14वां। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें 14वां स्थान मिला है हमें भारत को। और जारी विश्वदाता सूचकांक 2021 में, जिसे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स भी कह देते हैं, इसमें भारत को दुनिया चौथा सर्वाधिक परोपकारी देश माना है। COVID-19 महामारी में दुनिया में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है, और चैरिटीज एंड फाउंडेशन CA
ऐप की इस वर्ष की सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बनाए गए या बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों ने सुना होगा, कुमार राघव, एम के कृष्णा, सत्या नडेला और सुंदर पिचई। तो याद रखिए सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन यूएसए में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति भारत के WTO मिशन में निदेशक नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक नियुक्त किए गए हैं? अरविंद डागर, राम विकास माधव, अर्जुन अन्नद और आशीष चंदोरकर। तो याद रखिए इसमें आशीष चंदोरकर होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बताइए इसमें। तो याद रखिए राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की हुई है और इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा, साथ ही वैदिक रीति रिवाज और संस्कार आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। एक बात और आप लोगों को बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि जो योगा करते हैं लोग, इसकी खोज बाबा रामदेव ने की है, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे देश में हजारों साल पहले देव ऋषि जो हुआ करते, ऋषि मुनि, वो इसकी एक तरह से आप देखिए क्या करते थे, योगा करते थे। तो बाबा रामदेव जी का कोई टैग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक सवाल क्वेश्चंस बताना है, बताइए योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं आप लोग? ठीक है, विश्व या वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, इसे सर्च करिए आप लोग और बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? राजस्थान लगाओगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है कोरोना महामारी में, ये क्या थे? लेखक थे, धावक थे, या गायक थे, या वैज्ञानिक थे? तो आप सभी जानते हैं धावक थे, ये दौड़ते थे। कितने तेज दौड़ते थे आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। मूवी भी इन पर बनी हुई थी, उसे भी आप लोग देखा होगा, और उड़न सिख के नाम से भी इन्हें आप लोग जानते थे। और इनका कोरोना संक्रमण से जुड़ने के बाद 91 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। इससे आप देखिए इनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी, मिल्खा सिंह की। अगर जन्म की बात करें तो 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था और 18 जून 2021 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? दुनिया का, नाइजीरिया, युगांडा, बोत्सवाना, तंजानिया। तो आपको मालूम होना चाहिए बोत्सवाना है। क्या है? बोत्सवाना होगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोग एक न्यूज़पेपर कम से कम फॉलो करते रहा करिए तो आप लोगों को मुझे लगता है बहुत कुछ जानकारी भी मिलती रहेगी। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना की जवानेंग खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ठीक है, और ये आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में क्या रहोगे? बोत्सवाना अभी के महाद्वीप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोत्सवाना। इसकी राजधानी की बात करें तो गबारोनी इसकी राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। इन सभी देशों के बारे में विस्तार से बात की हुई है तो आप लोग वहां जाकर देखेंगे तो आपके बहुत सारा कवर होगा। किस राज्य की सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया हुआ है?
किस राज्य की सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? दिल्ली, झारखंड, बिहार या फिर आपका उड़ीसा? तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली। कहाँ? दिल्ली सरकार ने किया हुआ है, ये अच्छी पहल है। और आप में लगवा ली होगी वैसे तो, आप लोगों ने वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई है तो आप लोग जरूर लगवाइएगा, ठीक है। दिल्ली के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आप दिल्ली के बारे में क्या जानते हैं? और दिल्ली के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप सभी जानते हैं इनकी काफ़ी तारीफ की जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके कामों के कारण। और इसे अगर हम लोग दिल्ली को राज्य बनाने की बात हो तो वैसे दिल्ली बहुत पुराना रहा है, लेकिन राज्य से 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और यहाँ आप लोग विधानसभा सीटें देखेंगे 70 और लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं, 7 और राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रही केनेथ कोंडा का? 97 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, निधन हो गया है इनका। एक सूडान के, जाम्बिया के हैं, घना के, इथोपिया के हैं, तो याद रखिए जाम्बिया के हैं। कहाँ के हैं? जाम्बिया के हैं। अभी की आपको दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलेगा, एक स्थलबद्ध देश है, लुसाका इसकी राजधानी है, ठीक है, जाम्बिया की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए शरणार्थी वो लोग होते हैं, आप देखते हैं कि एक देश में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वहाँ कोई दंगा फसाद होने लगते हैं तो अपने देश को छोड़ के जाने लगते हैं, दूसरे देश में शरण लेने लगते हैं, उन्हीं को आप लोग एक तरह से शरणार्थी कह देते हैं। 18 जून 19 जून 20 जून 21 जून, तो याद रखिए 20 जून को ये मनाया जाता है, क्या 20 जून को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम की अगर बात करें तो मिलकर हम पीड़ा कम करते हैं, सीखते हैं और प्रगति है, सभी राष्ट्रों से कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं ताकि शरणार्थियों को सुरक्षा, जीवन रक्षक देखभाल, सीखने के अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और एक तरह से शरणार्थियों के लिए सहानुभूति मिल सके उन्हें, उनके कोई समझ रहे हैं तो यही हो सके। टूगेदर वी हील, लर्न एंड साइन, इस बार की क्या रखी गई थी थीम। और ऐसे मनाने की घोषणा सन 2000 में हुई थी, ठीक है। और शरणार्थी यानी शरण में उपस्थित, सीधा सा शब्द से ही अर्थ निकाल ले करो, जो असहाय हैं, लाचार हैं, निराशर हैं, रक्षा चाहते हैं, वही लोग अपना देश छोड़ के किसी और देश में या अपने एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में वही लोग तो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था आपसे, लीजिए इसका आंसर आ गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात हो रही है, योग दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 19 जून, 22 जून, तो याद रखिए 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि 2015 में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी भारत से ही, और आज दुनिया भर में ये मनाया जाता है। और थीम की अगर बात करें तो मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, इस बार की थीम रखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इब्राहिम रायसी ईरान के कौन से नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? 4वें 6वें 8वें 10वें, तो याद रखिए 8वें चुने गए, ईरान, ईरान के। अब आप कहेंगे ईरान कहाँ है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान कहाँ देखने को मिलेगा, ईरान की राजधानी की तेहरान देखने को मिलेगी ईरान, ठीक है। दक्षिण एशिया का ही देश है एक ईरान। कौन व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम आश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? एक दिन मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे देश के जो आप कहिए कि एक तरह से भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, आप समझ रहे हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की हैं। तो कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम आश्वेत न्यायमूर्ति हैं? कफील खान, अजय चंद्रा,
रहीस कुमार, महमूद महमूद जमाल, तो याद रखिए महमूद जमाल होंगे, ठीक है। कनाडा की उच्चतम न्यायालय के आश्वेत न्यायमूर्ति बनाए गए हैं। उत्तरी अमेरिका में देश आप लोग देखेंगे, कनाडा आपको देखने को मिलेगा, ओटावा इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? अमिता राव, सुमित्रा मित्रा, रजनी त्रिपाठी, वर्षा सिंह, तो याद रखिए सुमित्रा मित्रा होंगी, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, यूरोपियन इन्वेंचर अवार्ड 2021। यह पुरस्कार उन्हें नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सिद्धांतों को और मजबूत बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए काम को के लिए दिया गया है एक तरह से, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस, आप लोगों को संगीत सुनना पसंद होगा, आप लोग बताइए किसके गाने सुनना आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्या आप में से कोई सिंगिंग भी करता है ये भी बताइए। 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून या 22 जून, तो याद रखिए 21 जून होगा, इसमें विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इसके बारे में अगर कुछ और बात करें तो दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है एक तरह से, और इसकी शुरुआत साल 1982 में हुई थी फ्रांस में, ठीक है, जो याद लो, और फ्रांस के लोगों की संगीत के प्रति दीवानगी को देखते हुए उन्होंने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, फेडी डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को, फेडे डी ला म्यूजिक। चलिए आगे चलते हैं, कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? मैक्स जोरसे, एलिना योगन, हावर्ड वेटलिफ्टर, ईस्ट अफ्रीका, तो याद रखिए हावर्ड वेटलिफ्टर। एक बात और आपको बता दूं, देखिए पहले ट्रांसजेंडरों के साथ बहुत बुरा भेदभाव किया जाता था, लेकिन आप देखिए एक समय बदल रहा है मुझे लगता है, और न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर हैं, ठीक है, लोरेल हावर्ड, इन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हुई है, और विवाद भी काफ़ी रहा था इनके जाने से। वैसे पहले हावर्ड ने 2017 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और समोवा में 2019 में पिसान क्षेत्रीय खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अब आप सोच के देखिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वैश्विक शांति सूचकांक हमारे देश में कैसी शांति है, कितनी शांति है, ये आप लोगों को देखने को, 133वां है, 135वां है, 148वां है, 156वां है, बताइए कुछ इसके बारे में। कौन सा होगा? तो इसमें याद रखिए सीधा सा मतलब है कि 135वां होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और वैश्विक नवाचार नहीं, वैश्विक शांति सूचकांक है, वैश्विक शांति सूचकांक है, 135वें स्थान पर रहा है भारत, 135वें स्थान पर रहा है। और एक आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है, और याद रखिए इसका 15वां संस्करण है, ठीक है, और 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें हमारा 135वां स्थान है, पिछले साल 137वें स्थान पर थे। यमन आपको 162वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान को 163वां स्थान मिला है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइसलैंड विश्व में सर्वाधिक शांतिमय देश है, तो आइसलैंड टॉप पर है, ये भी आप लोग याद रखिए। भूटान को 22वां स्थान मिला है, हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश को 91वां, श्रीलंका को 95वां, पाकिस्तान को 150वां, तो आप देखिए कि हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान को छोड़कर
बाकी की हमसे अच्छी स्थिति है, पाकिस्तान हमसे नीचे है 150वें बार और 135वां स्थान हमें मिला हुआ है इस बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या होता है? मुझे लगता है उद्देश्य आप लोग बेहतर समझते होंगे। 23 जून को, 25 जून को, 20 जून को, 21 जून को। तो याद रखिए 23 जून को मनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसे मनाने पहली बार 23 जून 2011 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, और विधवाओं की स्थिति को विशेष तौर पर एक तरह से सुधारने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए एक बात आप सभी जानते हैं कि जिसका पति खत्म हो जाता था पहले आप लोग देखते थे, उन्हें सती यानी कि उन्हें उसी चिता में फेंक दिया जाता था, उसके पति के साथ जला दिया जाता था। अभी भी आप देखिए कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका पति अगर किसी का खत्म हो चुका है तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर सुबह से वो मिल जाए तो उसे अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो देखिए अब ऊपर वाले की, सब आप लोग ऊपर वाले को मानते हैं तो ऊपर वाले की क्या है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। 23 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, कौन IAM में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? भावना वर्मा, नीतू शेखावत, नंदिनी चौधरी, माओ या सूदन? तो याद रखिए माओवाया सूदन होंगी इसमें। ठीक है, क्या लगाओगे आप लोग? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंडियन एयर फोर्स की बात हो रही है, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी एक तरह से आप देखिए स्थापना की गई थी। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को आप जानते हैं कि दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आप देखिए विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है यहाँ विधानसभा दिल्ली की तरह पर आपको देखने को मिलेगी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं आप लोग? 21 जून को, 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को? तो याद रखिए 23 जून को ये मनाया जाता है। 23 जून 1948 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है, कौन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मुनेश्वर नाथ भंडारी, अरविंद दास शर्मा, राजगोपाल मेघवाल, पवन सिंह खत्री? तो याद रखिए मुनेश्वर नाथ भंडारी। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की हुई है? किस सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरुआत की हुई है? झारखंड, बिहार, तमिलनाडु या फिर आपके केरल में? तो याद रखिए इसमें बिहार होगा आपका, बिहार की बिहार सरकार ने ये शुरू की हुई है, बिहार। आप देखते हैं पिछड़ा हुआ राज्य है। और इस योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए ऋण कर्ज के रूप में 1% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य यह है कि युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके, क्योंकि आप देखिए नौकरी सभी को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना पाना मुश्किल है। और बिहार की बात करें अगर तो आप सभी जानते होंगे बिहार की राजधानी पटना है, पटना। और बिहार में बड़े भोजपुरी सॉन्ग सुने जाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, मालूम है नहीं है? बिहार, बिहार की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और आपको भी वर्तमान में नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राजनीति किसी को सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखिए। आप देखिए किसी की भी सरकार कोई भी चुनाव जीतता हो लेकिन मुख्यमंत्री यही बनते हैं, ये गठबंधन है, यहाँ से वहाँ गठबंधन करते रहते हैं। विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 75 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली
ट्रॉफी जीती है। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो याद रखिए न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड की बात में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत महासागर में ये देखने को मिलेगा आपको न्यूजीलैंड। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, मेघालय। तो याद रखिए असम में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? असम में लगाया गया है। दुनिया का क्या पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट की बात हो रही है। और रबर गुवाहाटी सुने यहीं लगाया गया है। और असम के बारे में अगर कुछ आपको बताया जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था और दिसपुर इसकी राजधानी है। कहाँ? और इसमें आपको बता दूं कि यहाँ आपको विधानसभा में 126 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारतीय वन प्लस की वेरेवॉल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन भारतीय वन प्लस की वेरल वर्ल्स सैडी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आमिर खान, रणवीर सिंह, जसमीत बुमराह, विराट कोहली। बताइए इसमें से एक कौन होंगे? तो याद रखिए जसप्रीत बुमराह होंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। और ये पहली ग्लोबल स्मार्ट बियर वेरेबल डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? बिल गेट्स, वारेन बफे, जमशेद जी टाटा, अजीम प्रेम जी। तो याद रखिए जमशेद जी टाटा होंगे। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए जमशेद जी टाटा अपने धन बहुत सारा दान करते रहते हैं, वरना आप सोचिए एक पता नहीं कहाँ होते। एक होरोन रिपोर्ट और एडेल गिफ्ट फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई 50 दानवीरों की सूची में जमशेद जी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। और इनके द्वारा स्थापित टाटा समूह ने सबसे ज्यादा यानी कि $102 अरब करीब 75,70,53,58,00,000 रुपए का दान किया है। ठीक है, और इनकी कंपनी आप देखते हैं नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने का काम करती है टाटा समूह, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं जमशेद जी टाटा। सुने हो इनके बारे में या नहीं? चलिए, और जमशेद जी टाटा के बारे में बात करें तो आपको बता दूं 3 मार्च 1839 में इनका जन्म हुआ था और 19 मई 1839 में, समझ रहे हैं, 3 मार्च 1839 में इनका जन्म हुआ था और 19 मई 1904 में इनकी डेथ हो गई थी। तब से आप देखिए चला आ रहा है कंपनी उन्हीं के नाम पर है। कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है? कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है? पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, दूती चंद, कर्णम मल्लेश्वरी। तो याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी होंगी इसमें। कौन होंगी? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपने देखा है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2019 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया था। इस यूनिवर्सिटी में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के अलावा अन्य खेलों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री भी दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर खेल में रुचि है तो आप लोग भी जाकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। कौन व्यक्ति संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियुक्त यानी कि CBC के नियुक्त किए जाएंगे? बिमल एस जैन, सुरेश एन पटेल, रफीक के मलिक, के गोस्वामी। तो याद रखिए सुरेश एन पटेल होंगे इसमें।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और आप सभी जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्था है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न पदाधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने और समीक्षा करने और सुधार करने के लिए के संबंध में सलाह भी देता है। और इसकी सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं आता, यह स्वतंत्र निकाय है और केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय तैराक बनी है? श्रीहरि नटराज, खोसाग्रा रावत, संदीप जे सेजवाल और साजन प्रकाश। तो याद रखिए इसमें क्या होंगे, साजन प्रकाश होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। किस देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? किस देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? भारत, ब्रिटेन, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड। तो याद रखिए ब्रिटेन ने लगाई हुई है। इसमें क्या लगाओगे, बी ऑप्शन आप लोग टिक लगाओगे। जारी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? बैरूत, लेबनान, अस्गाबाद, तुर्कमेनिस्तान, शंघाई, चीन, जनेवा, स्विट्जरलैंड। तो अस्गाबाद तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। और एशिया का ही एक तरह से आप देखिए, एशिया में ये पड़ता है, मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा, अस्गाबाद इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? श्री निवासन रामानुजन, प्रशांत चंद महालनोबिस, सत्येंद्रनाथ बोस, समरेंद्र नाथ रॉय। तो याद रखिए प्रशांत चंद महालनोबिस के, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में, ठीक है। और सांख्यिकीविद ये थे प्रशांत चंद महालनोबिस, इनके जन्मदिन पर एक तरह से इसे मनाने की बात होती है। और 2007 में महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर इसे मनाने का एक तरह से फैसला लिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात हो रही है, समझ में आया? राजीव चंदन, कमल जायसवाल, अमन पुरोहित, प्रवीण सिन्हा। तो याद रखिए प्रवीण सिन्हा होंगे इसमें। और अगर हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। कौन व्यक्ति ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ट्विटर इंडिया की बात हो रही है, जेरेमी केसल, अजीत निगम, आर्या प्रजापति, लूसो फेडरसन। तो याद रखिए इसमें आपकी होंगी कौन, जेरेमी केसल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ट्विटर पर आप लोग होंगे, ट्विटर आप लोग कैंपियन चलाते रहते ना। ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना कब आया था अस्तित्व में, 21 मार्च 2006 में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा ट्विटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते आगे। किस राज्य सरकार ने, पीछे पहुंचते जा रहे हैं, आगे चलना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? आलोक यादव, राघवपुरी, मनीष महात्मे और निशा देवगन। व्हाट्सएप की बात हो रही है, मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर भी आप लोग यूज करते हैं। तो इसमें आप देखिए मनीष महात्मे होंगे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 28 जून को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी प्राइम, अग्नि प्राइम, आकाश प्राइम।
या फिर आपका नाग प्राइम, तो याद रखिए इसमें अग्नि प्राइम होगा, अग्नि प्राइम होगा। मिसाइल, आधुनिक मिसाइल, आजकल आप देखिए मिसाइलें बनने लगी हैं और डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि डीआरडीओ के बारे में कुछ बताइए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसकी स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी इसकी, ठीक है। डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल को उड़ीसा के चांदीपुर तट से परीक्षण किया गया था और नए मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की गई है। और भारत ने मई 1989 में पहली बार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक का टेस्ट किया था। उस समय इसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर हुआ करती थी, ठीक है। कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अंशुला राव। बताइए, तो याद रखिए इसमें अंशुला राव होंगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? रवीश कुमार, पाला गुम्मी साईनाथ, पुनीत त्रिपाठी, जयंत गोस्वामी। तो याद रखिए पाला गुम्मी साईनाथ, पाला गुम्मी साईनाथ, साईनाथ इन्हें सम्मानित किया गया है, जो जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार। और साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं, समझ रहे हैं, जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाती हैं, उनके काम के लिए एक तरह से उन्हें दिया गया है। कौन व्यक्ति इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर कहें तो शॉर्ट में से IFUNAV कहते हैं। अजय ठाकुर, जमन मेनन, शंभुनाथ श्रीवास्तव, रविंद्र चावला। तो याद रखिए शंभुनाथ श्रीवास्तव होंगे इसमें। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन की बात करें तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सोशल मीडिया का आना एक तरह से लोगों के लिए काफी अच्छा है। अब आप देखिए जो आवाज अपनी नहीं उठा पाते थे, जो बाहर नहीं निकल पाते थे, आज आप देखिए वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, वो अपने आप को बाहर ला रहे हैं। आपको अगर कोई शिकायत है तो आप देखिए तुरंत आप लोग फेसबुक ट्विटर पर आप लोग टैग कर देते हैं, आप लोग शिकायत कर देते हैं, लेकिन आप देखिए इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, झूठी खबरों को फैलाने में ज्यादा इसका उपयोग होता है। 23 जून, 27 जून, 29 जून, 25 जून, तो इसके 30 जून, ठीक है, क्या 30 जून, सोशल मीडिया आप सभी एक्टिव होंगे मुझे लगता है। और पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया गया था, ठीक है। आप लोग भी अगर झूठी खबर हुआ करे तो मत आगे बढ़ाया करिएगा, शेयर किया करिएगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र दिवस, क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 28 जून, 30 जून और 1 जुलाई। तो याद रखिए 30 जून को मनाया जाता है विश्व क्षुद्र दिवस, क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को मनाया जाता है। और इसलिए 30 जून को मनाया जाता है क्योंकि साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के करीब 30 जून 1908 में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्का प्रभाव कहा जाता है। और साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के आसपास घटित हुई इस घटना की याद में हर साल 30 जून को यह दिन मनाया जाता है। और एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के बारे में लोगों की जानकारी और लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरह से यह दिन मनाया जाता है। कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र में क्रिकेटर बनी है? कौन है? दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, शिखा पांडे, प्रिया पूनिया। बताइए, तो याद रखिए शेफाली वर्मा होंगी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, तीनों पे आरोप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन चुकी।
आपको बता दूं, सैफाली ने 17 साल 150 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और उन्होंने इतिहास रच दिया था। सैफाली से पहले ये रिकॉर्ड स्मृति मंधाता के पास है। उन्होंने 18 साल 26 दिन की उम्र में तक क्रिकेट के तीनों प्यारों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिलहाल वह इस मामले में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय टीम की तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा है, जिन्होंने 19 साल 152 दिन की उम्र में एक कमाल किया था। ठीक है, आगे है, कौन राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? तो याद रखिए गोवा होगी इसमें, रेबीज मुक्त बन चुका है। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की थी और रेबीज नियंत्रण का कार्य रेबीज मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम लोग देखिए गोवा की बात करें तो इसे राज्य बनाया गया था 30 मई 1987 को, और इसकी भाषा की अगर इसकी राजधानी की बात करें तो पणजी इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी 40 सीटें, और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में यहाँ 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका जून महीने का जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी उनसे संबंधित आपके जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे उन्हें हम लोगों ने विस्तार से देखा हुआ है, एक एक करके देखा हुआ है। तो जून के बाद जुलाई महीने में हम लोग मिलते हैं, जुलाई महीने के भी सभी क्वेश्चंस आपके शामिल किए जाएंगे और बड़े विस्तार से बात करेंगे हम लोग। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग उस महीने में मिलते हैं। ठीक है।